नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण, युवाओं को रोजगार और किसान विरोधी विधेयक को रद्द किए जाने के कारण आजाद समाज पार्टी ने विरोध किया। निजीकरण के बढ़ती हुई प्रक्रिया का आलम यह है कि आज सरकार शासन प्रशासन से क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं से नहीं बल्कि डेटा एंट्री के जरिए हो रही है। अन्य क्षेत्र में भी यही हाल है कि कहीं और सिंह के जरिए नियुक्ति तो कहीं संविदा के आधार पर नियुक्ति के खुले तौर पर सरकार शिक्षा व्यवस्था हमला है। पूरे देश में ब्रज गाड़ियों के खिलाफ युवाओं गुस्सा है, आक्रोश है। मेहनत मजदूरी करके अपनी संतानों को पढ़ा रहे हैं, आज गरीब माँ बाप का जीवन जी रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि साल भर में करीब 42,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। अब के दौर में किसानों की मदद करे, किसान विरोधी विधेयक को बिना चर्चा के पास किया। किसानों के साथ ही आए दिन छात्र युवा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। हकमारी करके पूंजीपतियों के इशारों पर निजीकरण का काम किया जा रहा है, जिससे युवाओं में बेरोजगारी देखने को मिलती है। राष्ट्रहित की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्था उपकरणों विभागों का निजीकरण तत्काल से रोक लगाया जाए। निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये भाई चंद्रशेखर आजाद अरावन जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके तत्वाधान में आज दिनांक 24/9/2020 को सरकारी संस्थानों को मोदी सरकार के द्वारा निजीकरण किए जाने के विरोध में, साथ ही किसानों के लिए काला कानून लाने के उद्देश्य से जो अभी अध्यादेश लाया जा रहा है, लाया गया है, उस अध्यादेश के खिलाफ जो हम राष्ट्रपति के नाम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम हम एक ज्ञापन सौंपने, हम यहाँ लहरियत राय चिल्ड्रेन पार्क से कलेक्ट्रेट तक जिलाधिकारी को यह मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं। और इस मांग पत्र के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो देश में जो मनुवादी व्यवस्था के द्वारा जो हमारे भारत के सारे संसाधन को कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की जो साजिश यह मोदी सरकार कर रही है, वह रोके। और इसमें राष्ट्रपति महोदय को भी हम यह संदेश देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वह भी इसमें हस्तक्षेप करें। क्या सच है, क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।